बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 स्प्रिंग 2021। GDB ने इसकी फर्स्ट GDB ओपन हो चुकी है जी, तो इंशाल्लाह इसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल आसान अल्फाज में। जो GDB के अंदर सेक्टर पूछना चाह रहे हो, वो पूछ रहा है कि लुक आफ्टर योर इंटरनल कस्टमर, यू डोंट डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर एक्सटर्नल कस्टमर। वो कह रहा है कि आप अपने जो है ना अंदरूनी कस्टमर जो है ना आपके जो सार्फीन हैं उसके ऊपर तवज्जा दें, बाहर वाले जो हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा वरी ना हों। ठीक है, अपने अंदरूनी सार्फिन की देखभाल करें और बैरूनी सार्फिन के बारे में आपने फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्टर पूछता है हमसे कि जी डू यू एग्री विद दिस अबव स्टेटमेंट, कि आप जो ये स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। गिव योर ओपिनियन विद द मिनिमम ऑफ 3 लॉजिकल रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर, कि आपने कम से कम 3 ऐसी जो रीज़न देनी है जिसकी वजह से आपका जो है ना आंसर उसके साथ मिलता जुलता हो। तो उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं उन्होंने कि आपने आंसर दूसरे स्टूडेंट का कॉपी नहीं करना, ठीक हो गया, नाकस और नागवर आपने डाटा वो भी नहीं आपने सेंड करना। जो GDB की डेट्स दी हुई हैं उसी के दौरान आपने वो जो आपका आंसर है सबमिट करवाना है, और सबमिट आपने GDB के अंदर करवाना है ना कि MDB के। ठीक है, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड में नहीं करना, आपने ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जहाँ से आपने मैसेज आपको मिला है उसी के अंदर आपने स्टूडेंट मैसेज को पेस्ट करना है। चलते हैं जी। बेसिकली वहाँ पे हमने दो चीज़ें हमने देखी हैं स्टेटमेंट के अंदर, कि इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली है क्या, इंटरनल कस्टमर क्या होते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर क्या होते हैं। जो एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं इज़ द पर्सन हु परचेज द गुड्स, आप कोई भी चीज़ जो सेल कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी ख़रीदने वाला है, जो ख़रीदार है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है ना, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जाके मार्केट में, जो मार्केट में चीज़ आपकी जो बंदा ख़रीदता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। ये हमारे बैरूनी ग्राहक हैं या सार्फिन हैं जो हमारी चीज़ को ख़रीदते हैं और इनसे हम मुनाफा कमाते हैं। इंटरनल कस्टमर कौन से होते हैं? वो कस्टमर होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने कोई भी एंटिटी बनाई हुई है, कंपनी बनाई हुई है, उसके अंदर जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, वो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सब आपके इंटरनल कस्टमर कहलाते हैं। तो इसमें वो बात कर रहा है कि आपने जो ये वाले कस्टमर हैं बैरूनी कस्टमर को आप नज़रअंदाज करें, जो अंदरूनी कस्टमर हैं इनके ऊपर आप तवज्जो दें। तो आया कि इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसे बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ, टोटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर आर इम्पोर्टेंट टू कंपनी, सो वी कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम। अब आप देखें कि आपको कहते हैं कि बैरूनी कस्टमर को फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें, अंदरूनी जो कस्टमर्स हैं आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं स्टेक होल्डर उनको आप तवज्जो दें। ठीक है जी, आप उनके ऊपर वर्किंग करते हैं, आप उनके ऊपर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, हर लिहाज से आप उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आप उनके ऊपर तवज्जा दे रहे हैं, जो आपके बिरूनी कस्टमर हैं उनकी कंप्लेन आती है कि क्यूरी आती है, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं करते, तो जो आपका कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा। जब आपको एक रिलायबल आप उनको सर्विसेज नहीं देंगे, आप उनके रिस्पॉन्स को इग्नोर करते जाएंगे, तो क्या होगा, वो अपना चैनल चेंज कर लेंगे, वो किसी दूसरी तरफ रजू कर लेंगे आपकी, क्योंकि जो भी चीज़ बनाई जाती है उसका कंपिटेटर भी मौजूद होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट सिर्फ आपकी नहीं होगी, उसके साथ आपके कंपिटेटर्स भी मौजूद होंगे। ठीक हो गया, मोबाइल फ़ोन ले लें, कोई भी आप चीज़ ले लें, गाड़ियाँ ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, उसका कस्टमर मार्केट में पहले तलाश करता है, जहाँ से उसको प्रॉपरली अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कम प्राइस मिलेगी, मतलब वो इन चीज़ों को देखेगा। फिर उसके बाद ये भी देखता है कि आया कि हम लेने के बाद इसके ऊपर हमने सर्विस लेनी है, वारंटी है, गारंटी, इन चीज़ों के ऊपर हमारा जिस हमने कहने के प्लेटफॉर्म से चीज़ खरीदी है कि वो हमें इन चीज़ों के ऊपर फुलफ़िल भी कर रहे हैं, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक्सटर्नल कस्टमर को करेंगे कि नज़रअंदाज करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, आप अपने जो कस्टमर बन चुके हैं आपके, वो आप खोना शुरू कर देंगे। आप इंटरनली अपने इंटरनल जो कस्टमर पे फोकस करते रहें, तो जब तक आप अपने बैरूनी सार्फिन को भी साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आप
मुतलका जो टारगेट है, आप प्रॉफिट है वो मार्जिन पूरा नहीं कर सकते, तो इसका फायदा आपके कंपिटेटर्स को हो जाएगा, वो क्या होगा वहां पे डिवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, इंटरनल कस्टमर होता है जी, इनका कहते हैं कि जो आपका अंदरूनी कस्टमर है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपका बैरूनी कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है, चाहे वो सर्विस है चाहे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उसकी ऊपर वो बिल्कुल असरअंदाज होता है। किस तरह असरअंदाज होता है कि वो उसको अब मेयार दे रहा होता है आपका, अगर इंटरनल आपका जो है ना मुसारफ है, वो इस तरह उस पर मुतारफ उस पर असरअंदाज होगा कि उसको एक आला मेयार की क्वालिटी या सर्विस देगा, तो उससे क्या होगा कि आपका एक्सटर्नल कस्टमर वो इससे सेटिस्फाई होगा, बल्कि उसको मतलब इससे खुश होगा आपने जो चीज़ उसको सर्विस दी है वो वाकई उसके मेयार से भी, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी। तो इस तरह आपका इंटरनल कस्टमर आपके एक्सटर्नल कस्टमर के ऊपर असरअंदाज होता हो सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मगर ये कहें कि हम उनको एक्सटर्नल कस्टमर को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, सिर्फ इंटरनल कस्टमर पर फोकस कर लें, ये बात गलत है, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। फिर वो कहता है कि आया कि हमारा जो इंटरनल कस्टमर है उसके ऊपर फोकस करें, आया कि वो बंदा रिसेप्शनिस्ट है, अगर रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है वो भी आपके जो है वर्किंग के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, क्योंकि जब बंदा रिसेप्शन पे बैठा होता है आपके सार्फिन आ रहे होते हैं, बैरूनी सार्फिन आ रहे होते हैं, तो वो उनसे डीलिंग, अगर आपकी डीलिंग बहुत अच्छी है, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप कन्वेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो उससे बड़ा असरअंदाज होता है कि वाकई जो आपके फ्रंट पे बंदे बैठे हुए हैं चाहे वो रिसेप्शनिस्ट है, उनको भी आपने प्रॉपर ट्रेन करना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनकी ग्रूमिंग करनी है, इस लिहाज से इस तरह के शार्प बंदे बिठाने हैं कि वो वाकई जो आने वाले सार्फिन हैं उसको अखलाक के जरिए पेश आए, उनको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए ताकि वो आगे तक कन्वे कर सकें। फिर इस तरह वो कह रहा है कि आपके वेयर हाउस के मैनेजर्स हो गए, वो भी कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मतलब कोई भी बंदा जो आपकी डिलीवरी कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, वो इंटरनल जो बंदा है वो इस लेवल पे होना चाहिए कि वो बिरूनी सार्फिन को उसके बारे में आगाह कर सके। मतलब आपकी कोई कंप्लेन आ गई है, तो कंप्लेन आ गई है जो आपका कॉल सेंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो प्रॉपरली उसको इतनी अच्छी मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं दे सकता जो आपके प्रोसेस के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, या मैनेजर्स बैठा हुआ है, सुपरवाइजर बैठा हुआ है, क्योंकि जो प्रोसेस ऑनर होता है वो बेसिकली आपको रूट कॉज भी बताएगा, उसकी प्रॉब्लम की जो आपने आई थी उसका सोल्यूशन भी बताएगा, उसको पता होगा कि प्रॉब्लम किस वजह से किस वक्त आई है, तो उसका सोल्यूशन भी बताएगा और नेक्स्ट जो आने वाली प्रॉब्लम को भी वो रोकेगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई वो बैरियर लगा लेगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़े से ना, उन्होंने कहा कि थ्री आपने ऐसे उनके ऊपर व्यूज़ देने हैं आपने डिफरेंट जो इससे आप एग्री कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो ये होता कि आपने सर्विस स्टैंडर्ड होने चाहिए, आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं ना, आपने कोई फर्म बनाई हुई है तो उसके सर्विस स्टैंडर्ड आपके इस तरह होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड आपके तमाम एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमारा कंपनी का एक विजन है, एक मिशन है, और हमारा ये कि सर्विस स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को हमने मीट करना ही करना है, ठीक है, इसके हम कंपनी पॉलिसी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी पॉलिसी भी कह सकते हैं, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में आगाह करना है, ओरिएंटेशन देनी है, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्किंग के दौरान एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने साथ साथ मोटिवेट करना है, मंथली है वीकली है ट्रेनिंग्स करवानी है। अच्छा, फिर कहता है कि सर्विस स्टैंडर्ड जो आपने इम्प्रूव करना है उनको रिस्पॉन्स देना है एक्सटर्नल कस्टमर पे, मतलब आपका जो सर्विस स्टैंडर्ड बन चुका है, आपके जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो आपको कंप्लेन करते हैं, आपसे कुछ आइडियाज़ शेयर करते हैं, आप उनकी बात सुनें, उनके आइडियाज़ को भी देखें, उनकी सजेशंस को भी देखें, और सजेशन आप अपने इंटरनल जो कस्टमर्स हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे भी आइडियाज़ लें। नेक्स्ट कहता है कि दस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है जो एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करती है कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बूस्ट अप करें, उनको आप इस लिहाज से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग्स करवाएं, काइज़न की एक्टिविटीज़ करवाएं कि आपने कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन देनी है, आपने क्वालिटी को बिल्कुल असरअंदाज नहीं करना, कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना। फिर उसके ऊपर आपने टाइम स्टडी के ऊपर वर्किंग करवानी है कि एक मतलब 10 मिनट में अगर 5 पीस बन रहे हैं तो उसको हमने 10 मिनट में 10 पीसों पे लेके जाना है, मतलब आपने प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करवानी है। ये सब चीज़ें जब इंटरनल कस्टमरों के ऊपर आप वर्किंग करेंगे तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी आपकी, आपका इन टाइम डिलीवरी भी आप यकीनी बनाना शुरू कर देंगे, जब प्रोडक्शन इन टाइम आपकी होगी तो इट मीन डिलीवरी इन टाइम भी आपकी होना शुरू हो जाएगी, ये असरअंदाज हो सकता है आपका इंटरनल कस्टमर के ऊपर। फिर आता है यूज़
इम्प्लाइज टू हेल्प रिजॉल्व इंटरनल प्रोसेस इश्यू। आपके जो इम्प्लाइज है उनको आप इस तरह यूटिलाइज करें कि आपके हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई बॉटलनेक्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको फिर किस तरह आपने क्रिएट करना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जब आप इंटरनल आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े वहाँ पे आके घबरा जाते हैं, तो उनकी आपकी ग्रूमिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें, इन सिचुएशन के ऊपर आपने किस तरह इसके ऊपर हैंडल करना है। तो इस लिहाज से आपने इंटरनल कस्टमर के ऊपर भी फोकस करना है। फिर है कि जी उसके बाद कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद फिर आपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेमोस्ट्रेट करना है आपने कि आपकी जो भी एफर्ट होगी ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, डायरेक्टली आपके बैरूनी कस्टमर के ऊपर असरअंदाज हो रही है। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपका कस्टमर क्या होगा, दूसरे कस्टमर्स को भी लेके आएगा, आपकी प्रोडक्ट की तारीफ करेगा, उससे सेटिस्फाई है, बल्कि उसके कहेंगे मेरी एक्सपेक्टेशन, हमारी तो यहाँ तक एक्सपेक्टेशन थी, मगर जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने हमें उससे ज़्यादा हमें हमारी तवक्को से भी ज़्यादा हमें ये चीज़ है या सर्विस है दी है। तो इस लेवल पर आप अपने जो इंटरनल कस्टमर्स को मोटिवेट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, ताकि आपका जो बैरूनी कस्टमर है खुश हो, दूसरे कस्टमर्स को भी लेके आए। अगर आप ये करेंगे, सिर्फ अंदरूनी कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे, बैरूनी को नज़रअंदाज करेंगे, तो क्या होगा कि आप मार्केट के अंदर जो कंपिटेटर्स हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे, आपके जो कस्टमर्स बैरूनी कस्टमर है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे, दूसरे आपके जो कंपिटेटर्स हैं उनकी तरफ है जाना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आज की जो GDB का सोल्यूशन है हेल्पफुल रहा होगा। तो मैंने जस्ट आइडियाज़ दिए हैं, आप इन आइडियाज़ सेम टू सेम नहीं कॉपी करना, आप अपने आइडियाज़ को अपने वर्ड्स के अंदर लिखें और इस आइडियाज़ से लेके इससे ज़्यादा और भी आप अपने आइडियाज़ इसे जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नई GDB के साथ। अस्सलाम वालेकुम।